पोलैंड के फैसले से बड़ी यूक्रेन की मुश्किल, ब्रेक करिए। पोलैंड ने बंद किया यूक्रेनी रेफ्यूजी सेंटर, ब्रेक करिए। आनन फानन में बंद हुआ यूक्रेनी रेफ्यूजी सेंटर, माजोविया इलाके में था यूक्रेनी रेफ्यूजी सेंटर। सीधे की ग्राफिक्स के साथ आइए। पोलैंड में, पोलैंड का यूक्रेन को बड़ा झटका। पोलैंड में यूक्रेन के सबसे बड़े शरणार्थी कैंप को हटा दिया गया है। पीछे स्काई लेके आइए। ये राहुल बड़ी खबर है, हमारे जितने भी दर्शक है इसको समझे, क्योंकि इसका मतलब है कि यूक्रेन से पूरी दुनिया का मोह भंग हो रहा है। यूक्रेन को लेकर अब सिंपैथी खत्म हो रही है। सिर्फ खाने का एक पैकेट थमाकर लोगों को बाहर कर दिया गया। यूएन के मुताबिक पोलैंड में करीब 15 लाख यूक्रेनी शरणार्थी हैं। 120 दिन तक यूक्रेन शरणार्थियों को रहने की अनुमति दी गई थी। मई में हर यूक्रेनी रेफ्यूजी से रहने और खाने के लिए $13 मांगे गए थे। ये बड़ी खबर है राहुल, सीधे वॉल चेंज करिए। अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो बड़ी हैरान करने वाली खबर है, ध्यान से देखिएगा। समंदर से आसमान, रूस का अटैक प्लान। ये बड़ी खतरनाक इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बाखमुत में यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। जंगलों में रूस से आमने सामने की जंग, ये देखिए एमएन साहब करिएगा। थर्ड सेपरेट असॉल्ट ब्रिगेड ने किया हमला, कुछ यूक्रेनी सैनिक आए लेकिन जंग जारी है। इलाके में लोकेशन मेंशन करिए, इलाके में आगे बढ़ने का यूक्रेन का दावा। लोकेशन ये देखिए, बाखमुत की फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। बाखमुत की जो जंग है उसमें देखिए क्या हाल है, आमने सामने की जंग, आर्टिलरी और इन्फेंट्री एकदम आमने सामने। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए बाखमुत में जो अटैक चल रहा है उसके वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए क्लिशीविका में भी यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। मोर्चे पर आमने सामने की जंग विद द विजुअल्स राहुल, और दो ब्रेकिंग, दो शॉट तैयार रखिएगा। ये देखिए यूक्रेनी हमले में रूस को बड़े नुकसान की खबर है, एमएम सब करिएगा। क्लिशीविका में फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई, क्लिशीविका में जाऊंगा हमारे दर्शकों को राहुल, दोनों शॉट दिखाइए स्क्रीन पर। एक तरफ क्लिशीविका है, दूसरी तरफ बाखमुत है, आमने सामने की जंग। ये हेड कैम है, ये देखिए ये दोनों अलग अलग विजुअल से, जंगल अलग है। ये देखिए एक जंगल पूरा जल चुका है, ये बाखमुत है जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में आपको क्लिशीविका दिखाई दे रहा है। मैं अपने दर्शकों को अब दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाना चाहूंगा, दिखाइए जरा। ये क्लिशीविका और बाखमुत की जंग आपके सामने, किस तरीके से अटैक चल रहा है ये देखिए जरा। क्लिशीविका और बाखमुत की जंग आपके सामने, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ज़ापोरिज्या में रूसी सेना पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए। रशियन सैन्य काफिले को टारगेट किया गया विद द विजुअल्स, यूक्रेनी 44th आर्टिलरी ब्रिगेड ने किया हमला। ये देखिए ज़ापोरिज्या में राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ज़ापोरिज्या, क्लिशीविका और बाखमुत मेजर अटैक किए गए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ज़ापोरिज्या, क्लिशीविका और बाखमुत, तीनों तस्वीरें देखिए क्या अटैक किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने, ये मेजर अटैक किया गया है। ये इस वक्त के युद्ध के हाल है, ये देखिए ज़ापोरिज्या आपके सामने है, बाखमुत और क्लिशीविका जो अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूसी पोजीशंस पर यूक्रेन का बड़ा हमला, दिखाइए जरा विजुअल्स। हाइमार्स से अटैक किया गया है, हाइमार्स से की गई अंधाधुन फायरिंग, फायरिंग नहीं अटैक। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर है। यह हाइमार्स अटैक है जो किया गया है, हाइमार्स से नॉन स्टॉप मिसाइल अटैक किए गए। ये देखिए जरा राहुल, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा, यह हाइमार्स अटैक है। खेरसोन में यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। ड्रोन से रूसी बोट को किया गया टारगेट विद द विजुअल्स, दिखाइए राहुल जरा। हथियारों से भरी रशियन बोट नष्ट,
ब्लैक सी के नॉर्थ वेस्ट में किया गया हमला, ये देखिए जरा, ये रशियन बोट थी जिसके ऊपर खेरसोन में अटैक किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, खेरसोन में यूक्रेनी बोट पर बड़ा हमला, ये देखिए जरा, ड्रोन से रूसी बोट को नष्ट कर दिया गया, हथियारों से भरी रशियन बोट नष्ट हो गई, ये देखिए जरा, ब्लैक सी के नॉर्थ वेस्ट में किया गया बड़ा हमला, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्लैक सी में रूस का अमेरिकी बोट पर हमला, ब्रेक करिए, केप तारन खुट की ओर जा रही थी बोट पर हमला किया गया। ये ब्लैक सी में हमलों में चारों यूक्रेनी बोट नष्ट हो गई, रूस ने कहा है यूक्रेन की लैंडिंग फोर्स को ले जाने वाला के वक्त हुआ यह हमला, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये ब्लैक सी में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा, यह जानकारी हमारे पास आ रही है, जरा ध्यान से देखिएगा, ब्लैक सी में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है जो इंफॉर्मेशन है। अब देखिए, यूक्रेन की लैंडिंग फोर्स के साथ चार अमेरिकी इन्फ्लेटेबल बोट नष्ट कर दी गई हैं, और यहां पर यूक्रेन ने अटैक किया है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर यूक्रेन ने अटैक किया है और ये यूक्रेन पर अटैक हुआ है। रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेन की चार मिलिट्री बोट को नष्ट कर दिया है, यह जानकारी आ रही है। यूक्रेन की इन्फ्लेटेबल बोट केप तारनखुट की दिशा में जा रही थी, अमेरिकी बोट से यूक्रेनी लैंडिंग फोर्स को लेकर जाते वक्त रूस का हमला, पिछले हफ्ते भी बोट समेत 50 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा। इस सब के बीच में राहुल सीधे आइए ब्रांडिंग पर, आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, सबसे हैरान करने वाली खबर, दिखाइए जरा, समंदर से आसमान रूस का अटैक प्लान, वही है खबर, समंदर से आसमान रूस का अटैक प्लान, यह बड़ी खबर आ रही है, समंदर से रूस की बड़े हमले की तैयारी, ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग, यह बड़ी खबर है, ब्लैक सी से रूस की बड़े हमले की तैयारी विद द विजुअल्स, ब्लैक सी में रूस के 8 शिप तैनात हो गए, भूमध्य सागर में रूस के 8 शिप तैनात हो गए, एजोफ सी में रूस का क्रूज मिसाइल कैरियर। अंदर से यूक्रेन पर बड़ा हमला, राहुल सीधे की ग्राफिक्स दिखाइए, जो जानकारी आ रही है इसी के साथ रखिएगा की ग्राफिक्स, समंदर से यूक्रेन पर बड़ा हमला, उसी के साथ रखने की बात थी, लेकिन ये देखिए, रूस ने समंदर से बड़े हमले की तैयारी कर ली है, ब्लैक सी, भूमध्य सागर और एजोफ सी में रूस की बड़ी तैनाती हो गई है, समंदर में 24 कैलिबर क्रूज मिसाइल के साथ 2 रूसी शिप तैनात हैं, यह जानकारी आ रही है, ब्लैक सी में रूस के 8 शिप तैनात हैं, यह जानकारी आ रही है, भूमध्य सागर में रूस के 8 शिप तैनात हैं, एजोफ सी में रूस का क्रूज मिसाइल कैरियर तैनात है,